Study perfect knowledge is power. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी परफेक्ट। दोस्तों आज हम देखेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 का संपूर्ण पाठ्यक्रम। ये सिलेबस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको सिलेबस को आपको पूरा अच्छी तरह से तैयार करना होगा इस एग्ज़ाम में पास करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो हम पूरा सिलेबस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जिसमें जो विद्यार्थी फर्स्ट टर्म दे रहे हैं कांस्टेबल भर्ती, उनके लिए भी मैं बेसिक से बताऊंगा सब चीज़ें आपको क्या करना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों के पास एनसीसी है या होम गार्ड के लिए भी है, दोनों के सर्टिफिकेट हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों रही बात एज की, इसमें इस वर्ष सरकार ने एज का डिडक्शन देना बंद कर दिया, छूट देना बंद कर दिया है दोस्तों। अब एक्स्ट्रा कोई छूट नहीं दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी परफेक्ट जो आपको अन्य भर्ती तथा सरकारी जॉब का नोटिफिकेशन और तैयारी करने के लिए है, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको ये सिलेबस चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना है, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, या हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप अच्छे से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम। तो दोस्तों जुलाई तक इसकी भर्ती आने की संभावना है, पूरी संभावना, नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें तीन भाग होंगे दोस्तों, परीक्षा के तीन भाग होंगे, मतलब एग्ज़ाम के अंदर ही तीन भाग होंगे। इसमें सबसे पहले आपको टोटल नंबर क्वेश्चन होंगे दोस्तों 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 75 मार्क्स लाना है, मतलब उसका मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले इसमें भाग, इसमें दोस्तों अ ब स तीन भाग होंगे दोस्तों, 1 2 3। अब फर्स्ट में मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 30 नंबर के होंगे दोस्तों। सेकंड पार्ट जो ब भाग है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है 2018 की भर्ती के अनुसार भी, उसमें 215 नंबर के होंगे दोस्तों और 30 होंगे। और थर्ड लास्ट राजस्थान जी के टोटल नंबर क्वेश्चन आएंगे 60 आएंगे, जिसमें 30 नंबर के होंगे दोस्तों। तो टोटल मिला के 75 नंबर का ये पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक आपकी जानकारी, आपको पता होनी चाहिए एक पेपर में। तो दोस्तों अब देखते हैं कौन सा पार्ट में किसके हिसाब से नंबर दिए जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों भाग अब सौ तीन थे दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट भाग जो मैथ्स और रीजनिंग का, आप एक सवाल करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा और 0.5 आपको माइनस मार्किंग है। चार सवाल आपने गलत कर दिए तो आपके एक नंबर कट जाएगा दोस्तों। सेकंड पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर 0.5 दे रखा है, अगर आपने राइट किया है तो आपके दो सवाल राइट करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा इसमें, और इसमें एक सवाल राइट करोगे तो एक नंबर मिलेगा, या दो सवाल राइट करोगे तो एक नंबर मिलेगा। और थर्ड पार्ट में भी सेम सिचुएशन है दोस्तों, इसमें दो सवाल राइट करोगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। हम देखते हैं, और इसमें दोस्तों इसमें 1/8 है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है दोस्तों। इसमें 0.125 भी आप देख सकते हो। अब हम देखेंगे इसका पूरा सिलेबस, इसमें सिलेबस में क्या क्या है आपको देखना है दोस्तों। 2018 की भर्ती में सबसे ज़्यादा जोर आपको सेकंड पार्ट पे देना है दिया गया था, क्योंकि अब इसमें कर दिया गया है कि 40% आपको सब के अंदर लाना है मिनिमम, तब जाकर आपको आगे कट ऑफ में फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और अंतिम जो लिस्ट आएगी वो होगी आपके मेरिट के आधार पर ही होगी दोस्तों। और आपके कोई भी डाउट है तो हमारे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका समस्या लिख दीजिए, हम उसमें एनालिस करके नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो अब भाग में आएगा दोस्तों, रीजनिंग का पाठ्यक्रम आएगा इसमें पूरा, इसमें पूरा पूरा दे रखा है दोस्तों। सबसे पहले एनालिस का रैंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, स्पेक्टुलर ओरिएंटेशन, कोडिंग डिकोडिंग, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, मतलब रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन, इसमें एनालिसिस आएगा। अर्थमेटिक रीजनिंग, जिसमें प्लस माइनस को एड वर्क किया जाता है दोस्तों, इसमें स्पेस विजुअलाइजेशन, और लास्ट टॉपिक है अर्थमेटिक नंबर सिस्टम। ये 12 चैप्टर है आपको, उसमें पूरी मैं आपको बुक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैथ्स रीजनिंग और जीके के लिए बेस्ट बुक बताऊंगा, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी के अंदर से आते हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। सेकंड भाग अ ही चल रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अ में ही सेकंड है मैथमेटिक्स है।
आप ज़्यादा और में ज़्यादा जोर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें 100% मार्क्स आने की संभावना है दोस्तों। आपने राइट किया तो पूरे पूरे नंबर आपको उसमें मिलेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें नंबर सिस्टम है, डेसिबल है, फ्रैक्शन है और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, इसमें CI और SI दोनों हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल साधारण ब्याज। सिक्स नंबर है एवरेज, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति भी है दोस्तों इसमें, डिस्काउंट रेस टाइम एंड रेशियो एंड टाइम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, होल नंबर, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मतलब इसमें आप कह सकते हो DI भी दे रखा होगा, जिसमें आपको एक DI के अंदर हमेशा कम से कम तीन से चार क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जिसमें एक परसेंटेज, एवरेज और अदर रेशियो के क्वेश्चन दे देंगे। अगर आपको परसेंटेज एक्स्ट्रा में नहीं दिया तो आपको DI के अंदर परसेंटेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस, लास्ट है टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक आपको इसमें मैथ्स में करने ज़रूरी है। तो ये दोस्तों ये हो गया आपका अ भाग। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे भाग बी, जिसमें सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम 2018 में बताया गया था कि इसके आधार पर ही आगे कट ऑफ जारी की गई और फिजिकल में लिया गया है दोस्तों। भाग भी देखते हैं, इसमें आएगा दोस्तों सामान्य जागरूकता, सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान और वर्तमान जो मुद्दे हैं, जिसमें आता है करंट अफेयर। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जोर देना दोस्तों साइंस पर देना है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में सबसे अच्छे क्वेश्चन और मतलब एक से लेवल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दोस्तों, आपको अपनी इसमें आपको विज्ञान और तकनीक में थोड़ा थोड़ा सा डीपली जाना चाहिए, क्योंकि अब 2019 आ चुका है, पहले ऐसे डायरेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते थे, कौन क्या कैसे कौन सा विटामिन होता है, अब थोड़ा आपको उसमें थोड़ा डिटेल नॉलेज देनी पड़ेगी। अगर आपको इसमें एग्जाम में पास रियल में होना है, साइंस को हल्के में मत लेना दोस्तों। यहाँ बड़ी लिखा गया हो 10वीं स्तर की जीव विज्ञान के मूल प्रश्न, फिर भी आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। आपको नंबर 5 और नंबर 6 को आपको पूरा रट लेना चाहिए दोस्तों। बाकी इनमें से क्वेश्चन आएंगे, पर आप वो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, आप उसको कर लोगे। ज़्यादा आपको करना है दोस्तों विज्ञान एंड तकनीकी और वर्तमान मामले, इसमें करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका पार्ट बी। अब पार्ट सी में हम देखते हैं दोस्तों, इसमें इतिहास, कला एंड संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसमें टोटली दोस्तों आपको एक बुक बननी है, जिसके मैं अगले वीडियो में बताऊंगा नाम उसका और बुक पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में। तो इस भाग सी में आपको राजस्थान के बारे में पूरा इतिहास, राजवंश और प्रशासन व्यवस्था पूरी पूरी पढ़नी है, सामाजिक मुद्दे को पढ़ने हैं, आंदोलन और किन किन लोगों ने राजस्थान में हेल्प की थी राजस्थान के एकीकरण में। थर्ड नंबर है वास्तुकला के प्रमुख विशेषता, किले, स्मारक, चित्रकला। फोर्थ है हस्त शिल्प का, शिल्प राजस्थान में क्या क्या हास्य कल पूर्जे बने जाते हैं, कहाँ कहाँ मेले, त्यौहार, लोकगीत, लोक नृत्य, राजस्थान संस्कृति और परम्परा विरासत है। लास्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख हस्तियाँ। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों, जिसमें आपको करना चाहिए। इसमें पूरा बहुत सिलेबस में ले रखा है दोस्तों, इसमें ये दोस्तों। अब इसमें आएगा राजस्थान भूगोल, मैंने सबके अलग अलग नाम टॉपिक लिख रखा है दोस्तों, ये वर्ड फाइल में मैंने बनाई है पूरी, जैसे आपको डायरेक्ट ही इस आप दोस्तों क्या करना, इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना, फिर आपको हार्ड कॉपी इसकी निकाल देना, जिससे आपको पूरा पता चल सके कौन सा सब्जेक्ट किस किस में है। राजस्थान भूगोल में आपको राजस्थान के प्रकृति के स्रोत करने, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जैव विविधता के बारे में पूरा पढ़ना है, जनसंख्या, खान, खनिज और प्रमुख सिंचाई परियोजना, बांध, नदियां, सब इसके अंदर आ गया दोस्तों। इसके अंदर राजस्थान भूगोल आपको पूरी पढ़नी है, चाहे प्राकृतिक हो या बाहर की उसके क्षेत्र के हिसाब से हो। फिर नेक्स्ट आएगा राजस्थान की राजनीति, इसको बोलते हैं पॉलिटी। राजस्थान की आपको इंडिया की तो पढ़नी है पॉलिटी, साथ साथ में आपको राजस्थान की भी पढ़नी है, जैसे अभी इलेक्शन हुए, अपने CM अशोक गहलोत जी बने हैं अब, इनका भी पढ़ना है, और सचिन पायलट भी अब उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनका भी आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए क्या क्या आर्टिकल लगता है, कौन सा आर्टिकल नहीं लगता है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, राज्य चुनाव समिति और सार्वजनिक नीति कानून अधिकार के मामले में। नेक्स्ट है आपको राजस्थान अर्थव्यवस्था, जिसमें राजस्थान की इकोनॉमिक्स का आपको पूरा ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। इसमें आपको बुनियादी जो बेसिक है दोस्तों,
वो आपको मैं वीडियो डाल दूंगा दोस्तों, आप वीडियो देख लेना, उससे आपके काम हो जाएगा। और वैसे ही मैम आपको साइंस का पूरा डिटेल में पढ़ा रही है दोस्तों, वो वीडियो आप जरूर देखें, चाहे वो NTPC रेलवे SSC के लिए हो, साइंस सब में एक जैसी होती है दोस्तों, आप साइंस ज़्यादा फोकस कीजिए। इसमें अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अवलोकन है, मुख्य कृषि वृद्धि विकास, बुनियादी सुविधा संसाधन, मुख्य विकास योजना कार्यक्रम और किसान मजदूरी और सरकारी जो जितनी भी सरकारी योजना आती है उसमें आप इकोनॉमिक्स में ये कर लेना, राजस्थान की जितनी भी योजना है दोस्तों वो उसमें आप पढ़ लेना। ये तो टॉपिक है, आप कर लेना एक बार बेसिक ऊपर से कर लेना, और जो मैं बता रहा हूँ वो मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूंगा। इन इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके मैं एक लिस्ट बना दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने चाहिए। दोस्तों ये तो हो गया अपना सिलेबस। अब जिन विद्यार्थियों के पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन डिटेल है तो वो भी इसमें आप देख लीजिए, पूरा पूरा दे रखा है जिसमें हमें आपको जॉब में ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास NCC है और NCC में सी सर्टिफिकेट है तो उनको मिलेंगे 5 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, टोटल 10 नंबर का होता है सब कुछ, मतलब NCC है, होम गार्ड है और अदर कंप्यूटर कोर्स है, सबको मिलाकर 10 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 5 नंबर यहाँ पर होम गार्ड को अलग मिलते हैं और सर्टिफिकेट है आपका कंप्यूटर कोर्स का उसका टोटल मिलाकर 10 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो किसी के पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिलेगा और ए सर्टिफिकेट है 2 नंबर मिलेंगे। आप डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों, आप फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट में आप लिख दीजिए तो आपका उसका आंसर मिल जाएगा। अब आता है दोस्तों होमगार्ड, जिन विद्यार्थियों ने होमगार्ड किया है या उस सर्विस में लगे हैं कंटिन्यूसली 2 ईयर, दोस्तों इधर साफ साफ लिखा है कंटिन्यूसली 2 ईयर होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं आपको 1.5 साल हो तो 1.5 साल का नहीं होगा दोस्तों, आपको पूरा पूरा 2 साल देना पड़ेगा कंटिन्यू, वही सर्विस इन बॉर्डर पर होना चाहिए, चाहे वो राजस्थान की बॉर्डर हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, उसको 5 नंबर मिलेंगे और मोर देन 2 ईयर सर्विस ठीक है तो उसको 4 नंबर मिलेंगे और कंटिन्यूसली मोर देन 1 ईयर कर रहे हैं तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, मतलब जैसे जैसे आप जितनी कम सर्विस करोगे उतने कम नंबर आपको मिलेंगे इसमें। तो दोस्तों अब आते हैं पैट का एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, जो फिजिकल होगा, फिजिकल में कोई चेंज नहीं किया गया है दोस्तों, जो 2018 में था वही उसको सेम किया गया है, सेम टू सेम। इसमें अगर पुरुष है तो 5 किलोमीटर 20 मिनट में लेस देन, अगर 20 मिनट से कम भागते हैं तो 20 मिनट से पहले पहले भागते हो 5 किलोमीटर पार कर लेते हो तो आपको मिलेंगे 15 नंबर, 20 मिनट से बराबर हो तो 10 नंबर और 22 मिनट तक होता 5 नंबर। तो उम्मीद कीजिए सर अभी दौड़ना स्टार्ट कर लीजिए रोज़ या सप्ते में 3 बार दौड़ना स्टार्ट कर लीजिए जिससे आपको बेनिफिट मिले। फीमेल के लिए भी वही है, 26 मिनट में आपको 15 नंबर मिलेंगे, अगर 5 मिनट दौड़ लिया तो 26 मिनट से 28 मिनट तक दौड़े तो आपको 10 नंबर और 28 से 30 मिनट से पार हो गए तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और फॉर एक्स सर्विस मैन है, कोई पहले नेवी फौज में रह रहेगा, कोई रिटायरमेंट हो रखा है उनके, कोई सरकारी जॉब से, तो उनके लिए भी इनके है 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा उनको 25 मिनट, तो 15 नंबर मिलेंगे 25 मिनट से बाद में तो आपको 10 नंबर और 26.30 सेकेंड मिनट में रहेंगे तो आपको ये मिलेंगे नंबर 5 नंबर। अब जो दोस्तों जो डार्क एरिया है, TSP एरिया है, जो डूंगरपुर धौलपुर इस साइड एरिया है, जिस उनके लिए भी थोड़ा छूट दी गई है 5, उनमें यू सेम है जो एक्स सर्विस मैन के, जो 26 मिनट है तो आपको पहले पार करना है तो आपको 15 मिनट पूरा पूरा दिए जाएंगे और 5 किलोमीटर पार करना होगा आपको। जी बात कर रहा हूँ दोस्तों ओनली फॉर STSC TSP एरिया। अब ये मत कह देना दोस्तों ये STSC पूरे राजस्थान में नहीं दोस्तों, ये ओनली फॉर STSC वही होंगे STSC जो डार्क जोन में रहते हैं। डार्क जोन का मतलब जिनकी जो जनजाति आदिवासी जो टाइप में है रहते हैं उनका एरिया ऐसा है उनको ही मिलेगा, ऐसा नहीं आप जयपुर जोधपुर और इनके एरिया में रह रहे हो और STSC उनको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। 5 किलोमीटर 26 मिनट में 15 मिनट पूरा मुना मिलेंगे, 26 से 28 मिनट तक रह रहे हो तो 10 नंबर और 28 से 30 मिनट में आप दौड़ पार कर रहे हो तो 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। ये आपको पूरा पूरा क्राइटेरिया हमने बता दिया दोस्तों, पूरा सिलेबस बता दिया है और ये होम गार्ड NCC और पूरा पूरा सिलेबस आपको ये आपको मिल जाएगा सिलेबस, आप कोई चिंता मत कीजिए और आपको जुलाई तक इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। अभी बस लेटेस्ट ये न्यूज़ है दोस्तों इसमें कि इस बार
आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी दोस्तों, जैसे लास्ट बार दी गई थी बार बार हाईकोर्ट के चक्कर काटने के चक्कर में, इसलिए इस बार राजस्थान सरकार ने छूट देने से मना कर दिया दोस्तों। ये पूरा पूरा सिलेबस है दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल ज्वाइन के लिए टेलीग्राम पर स्टडी परफेक्ट 007 है, आप सर्च कीजिए वहाँ मिल जाएंगे हम। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए नए बुक के बारे में बताएंगे जो कॉन्स्टेबल आसानी से पास की जा सके दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक ये टेक केयर दोस्तों।